ब्रांड बार्बर शफक सर बने ना आंखों से आंसू निकल रहे हैं सॉरी और इसके साथ ही लगे बेल आइकॉन पे भी प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारे बारे में मजीद जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता तो चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है और असद की हालत को भी देख लें तब भी आपको काफी अंदाजा हो जाएगा कि ये वीडियो किस बारे में होनी चाहिए। तो आज जनाब मैं असद को मेकओवर दूंगी और आप लोग बताएंगे कि मैंने मेकओवर कैसा दिया। लेट्स सी क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मेरे पे आज। और यार आप लोग कमेंट्स नहीं करते, प्लीज कमेंट किया करें और हमें बताया करें कि आप लोग को क्या अच्छा लगा ताकि हम फीडबैक योर फीडबैक मींस अ लॉट टू अस सो प्लीज डोंट बी शाय एंड शेयर योर ओपिनियन वेदर इट्स गुड और बैड। तो जनाब आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस मेक ओवर सो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स जस्ट गेट ऑन विद इट। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस मेक ओवर का सबसे फर्स्ट स्टेप है असद के नेल्स कट करना। नॉर्मली भी मैं ही नेल्स कट करती हूँ तो आज भी मैं ही काटूंगी। सो लेट्स डू इट। पहले जो है मैं अपनी अम्मी से कटवाता होता था जब मैं छोटा होता। मैं आपकी अम्मी हूँ। छोटी अम्मी कहते हैं लोग भी। ओके भी काटने पड़ेंगे शफक। मेक ओवर मिले तो पूरा मिले। आधा काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आधा काम आपको नहीं पसंद ना। मुझे तो बहुत मजा आ रहा। जी जनाब नेल्स कट चुके हैं अब हम करेंगे नेल्स को फाइल। ये जरूरी है? छोड़ो ना। नहीं कर ले। So guys, the next step is trimming my beard. आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे बार्बर शफक इज बैक और वो अपना नेक्स्ट अपने जौहर दिखाएंगे। Yes. So please proceed. Last time हमने हेयर कट किया था अब हम लोग असद की बियर्ड ठीक करेंगे। उड़ा ही ना देना। ठीक है ना? देखते हैं कि शफक इसमें क्या रंग दिखाती है। Here we go. बार्बर शफक सर बने ना आंखों से आंसू निकल रहे हैं सॉरी।
Okay, ji, it's finally done. Finished. Done. मैं फेस वॉश कर लूँ जरा ताकि नजर आए. और असद का खून निकल आया इधर से. मुझसे कैंची लग गई थोड़ी सी. चपक बार बार is not perfect, you know. Yeah. Hey guys, step number 3 is असद की cleansing. क्लींजर मैं यूज करूंगी. हमने पहले भी आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में. ये है जी वॉल्केनिक मर्ड फेशियल क्लींजर. ये डीप क्लीन करता है जी. यार मेरे बाल आ रहे हैं शफक दरमियान. सॉरी गाइस, ये पहनाना भूल गई. ये क्या जी? ये है कुछ. मैं आंखें खोल सकता हूँ? नहीं, आप आंखें नहीं खोल सकते. कौन सा बैंड लगाने लगे हो? आई लुक सो क्यूट. गाइस आप बताएं, ऐसे क्यूट लग रहे हैं ना? लग रहे हैं. वेलकम बैक गाइस. असद ने फेस वॉश कर लिया है. अब हमने क्या लगाना है असद के फेस पे? ये लगाना है. मैं पाकिस्तान से लाई थी. ये है जी चारकोल मास्क. ये वाज का है वैसे. ये पील ऑफ मास्क है. टाइटन पोर्स एंड डीप क्लींजिंग. ठीक है? ठीक है. मैंने सिर्फ नोज पे ही अप्लाई किया है क्योंकि ऐसे के ब्लैक हेड्स हैं नोज पे. तो उसके लिए 15 या 20 मिनट्स इसको लगेंगे ड्राई होने में. तो जब ये ड्राई होगा तो फिर हम आपसे आके मिलते हैं. वेलकम बैक गाइस. क्या हुआ कि ये ड्राई होने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो हमने सोचा कि उसी टाइम पीरियड में हम अपना फोर्थ स्टेप कर लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग ऐसे की ऑयलिंग करेंगे. मैंने यहाँ पे 3 ऑयल जो हैं वो मिक्स किए हैं, जिसमें कोकोनट, जिसमें जैतून का तेल और जिसके अंदर ऑलिव ऑयल मतलब, और तीसरा जो है वो सरसों का तेल जो होता है, जो सिंपल तेल होता है. वो 3 तेल मिक्स कर लिए मैंने और ये मैं असद के सर पे अप्लाई करूँगी. इट्स चंपी टाइम. और चंपी करने के साथ साथ आपने नेक की थोड़ी सी मालिश कर लेनी है, मसाज कर लेना है, ताकि जो गर्दन में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाए. क्या बात है, आई एम इन हेवन टुडे. जी गाइस, चंपी तो हो गई. अब बारी है 5th स्टेप की, लेकिन उससे पहले हम इस मास्क को रिमूव करेंगे. ओके जी. इससे पेन होता है? आराम से. आउट आउट. आंखों में पानी आया? नहीं, अभी वो नहीं आया, लेकिन ये सब लोग को नजर आ रहा है. बुरी बात. तो गाइस, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? लास्ट स्टेप में हम ये वाला मास्क यूज करेंगे. ये है जी फर्मेंटेशन फेशियल मास्क, सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सिल्की वाटर फीलिंग फर्मेंटेशन फेशियल मास्क. चाइनीज लिखी हुई है जो कि मुझे समझ नहीं आती, तो ठीक है.
को हम ओपन करेंगे. डू इट. ये फेस पानी पानी हाँ इसमें होता है. ये फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइड्रेशन के लिए. फेस को हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज करता है. असद का फेस बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो फिर मैंने सोचा कि हम ये अप्लाई कर देते हैं आज. बहुत कूल है. लेट्स सी. गाइज इस मास्क को हम छोड़ेंगे 15 मिनट्स के लिए. गाइज अब हम इस मास्क को उतार लेते हैं और हल्का सा मसाज करेंगे. ओके गाइज तो जनाब ये 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं. अब असद बात लेंगे और उसके बाद असद आपके सामने आएंगे और आप डिसाइड करेंगे कि कुछ फर्क पड़ा या नहीं. सो मिलते हैं आपसे हाफ आवर के बाद. हेलो गाइस वी आर बैक और मैंने बात ले लिया है और दिस इज द फाइनल लुक. हाउ आई लुक शफक ने मेरा हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की है कुछ और हाथ और बाकी फेशियल देख लें जी. मेरी मेहनत का ये नतीजा निकला है. तो जनाब ये मेकओवर की ज़रूरत क्यों थी? इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि असद मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमेशा हर काम में. और पिछले दिनों में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है घर पे, काफ़ी काम किए हैं. तो इसीलिए जनाब मैंने सोचा कि असद को भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा सा मुझे असद की खिदमत करनी चाहिए. रिश्वत थी? नहीं या ये रिवॉर्ड था? ये रिवॉर्ड था आपके अच्छे अच्छे काम करने का रिवॉर्ड था. थैंक यू सो मच. ये मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू था. वेरी टचिंग. बट यही छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए आजकल के हालात में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि हम लोग सारा टाइम घर पे होते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम हम बॉन्ड करें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, ट्राई टू हैव सम फन. तो जनाब मुझे तो आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया और मैं काफ़ी थक गई. यस बट अगर आप लोगों को भी मज़ा आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड गिव अ बिग थम्स अप. जाते जाते एक बात करती जाऊंगी, प्लीज़ घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए. पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए मैं बात कर रही हूँ. दिस विल रैप अप टुडेज़ वीडियो. तो जनाब अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें. बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव. सी यू गाइस सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम गाइस. अल्लाह हाफिज़.